नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कोशी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और तिथि भी घोषित हो गया है। आवेदन कब से होगा वो भी जान लीजिए। 24 जनवरी 2020 से लेकर के 24 फरवरी 2020 तक आवेदन होगा और परीक्षा तिथि घोषित हो गया है, 5 जुलाई को एग्जाम होगा। अब दोस्तों जान लीजिए कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है। डिटेल जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं ctet.nic.in पर आ जाइए। जैसे ही आप इसे ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2020, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा, हम इसे डाउनलोड करके रखे हैं इसलिए हम यहाँ पर जो है इसे ओपन कर लेते हैं डाउनलोड सेक्शन में जा कर के। तो चलिए इसे ओपन करने के पश्चात, तो दोस्तों ये ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल जानकारी दिया जाएगा इसमें कि सिलेबस भी क्या है, क्या है आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इसमें दिया गया है। आप इसे डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। 24 जनवरी 2020 से स्टार्ट होगा, 24 फरवरी 2020 तक आवेदन की तिथि निर्धारित की गई है। और यहाँ पर देखिए 27, यहाँ पर अगर आप जो है सबमिट करते, मान ली कि अगर पेमेंट कर लेते हैं लास्ट डेट फॉर सबमिशन फी, तो 27 फरवरी तक आप जो है अपना पेमेंट भी कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि देख लीजिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है एग्जामिनेशन डेट, एग्जामिनेशन 5 जुलाई 2020 संडे रविवार को होने जा रही है। नीचे आइए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि फॉर्म फिलअप करने का मेथड क्या क्या है, वो सारा डिटेल दिया गया है। और नीचे आइए तो यहाँ पर देख लीजिए कितना रुपया लगेगा। जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो उसमें आपको प्रोसेस पता चल ही जाएगा। जनरल ओबीसी को 1000 रुपये लगेंगे अगर आप पेपर एक फिलअप करते हैं या फिर पेपर टू फिलअप करते हैं। कोई एक अगर फिलअप कीजिएगा तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप दोनों पेपर फिलअप करते हैं तो 1200 रुपये देना पड़ेगा, ठीक ना। इसके बाद अगर आप पेपर वन फिलअप करते हैं, यानी कि केवल प्राइमरी टीचर के लिए अगर आप टीटी एग्ज़ाम देते हैं तो 500 रुपये लगेंगे। अगर आप दोनों पेपर के लिए एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 600 रुपये लग जाएगा। ये एसटी एससी या फिर डिजिबिलिटी से जो भी प्रभावित स्टूडेंट हैं उनके लिए है। और ये आपका जनरल BC OBC, मतलब कि जितना भी है BC EBC उनको जो है 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये लग जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए इसका जो है क्वालिफिकेशन डिटेल क्या क्या दिया गया है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 1 to 5 का जो टीचर है इसका फॉर्म फिलअप करने के लिए, यानी कि पेपर वन फॉर्म फिलअप करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है। इससे आप बिहार के टीचर या फिर अपने स्टेट के टीचर और सेंट्रल टीचर दोनों बन सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको होना चाहिए 12th पास। अगर आप 12th पास है 50% मार्क्स से, कम से कम 50% मार्क्स से, इसके साथ साथ आप अपीयरिंग है फाइनल ईयर में, जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप मान ली कि सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th अगर आप पास है 45% मार्क्स से, या फिर अपियरिंग है आप फाइनल ईयर में किस में, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, और NCT से मान्यता प्राप्त है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद DLED और भी तरह के होते हैं, जैसे कि स्पेशल कोर्स भी होता है, तो उसके बारे में भी जानकारी दे दिया गया है। तो DLED कई तरह के होते हैं। अगर आप 12th पास हैं 50% मार्क के साथ और आप अपियरिंग है फाइनल ईयर में किस में, 4 वर्ष का BLED जो कोर्स होता है, जिसे आप BSc BEd भी कहते हैं, तो ये 4 वर्ष का होता है, तो अगर आपका फाइनल ईयर में एडमिशन है तो अभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए अगर आप 12th पास हैं 50% मार्क्स से और साथ ही साथ फाइनल ईयर में अपियरिंग है, मतलब कि फाइनल ईयर में है डिप्लोमा इन एजुकेशन कोर्स, मतलब कि यही है डिप्लोमा इन एजुकेशन कोर्स, जिसे आप DED कहेंगे, DLED नहीं कह सकते इसे, ये स्पेशल कोर्स होता है।
तो इसमें अगर आप एडमिशन लिए हुए हैं और अपियरिंग है फाइनल ईयर में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं 50% मार्क्स से ग्रेजुएशन पास हैं और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है मतलब कि बीएड डिग्री है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 6 to 8 के टीचर हैं उन मतलब बनना है अगर आपको तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों इससे आप स्टेट टीचर भी बन सकते हैं, सेंट्रल टीचर भी बन सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन इसमें पास होना पड़ेगा, इसके साथ साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन करके डीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए या नहीं तो देखिए और है, ऐसा नहीं कि ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए, या तो आप ग्रेजुएशन पास होइए 50% मार्क्स से, साथ ही साथ प्लस पॉइंट इसमें है कि आपका फर्स्ट ईयर में बीएड में एडमिशन है। अगर आप मान लीजिए बीएड में इस बार एडमिशन लिए फर्स्ट ईयर में हैं और ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन डीएलएड में आपको सेकेंड ईयर में होना चाहिए, लेकिन बीएड में आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, ग्रेजुएशन आप अगर मान लीजिए 50% मार्क्स से पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं तो आप अगर बीएड में एडमिशन भी लिए हुए हैं ना यानी कि फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि सेकेंड ईयर में नहीं, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, ग्रेजुएशन आपका क्लियर है तो आप इस सेकेंड पेपर को फिलअप कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ग्रेजुएशन अगर आप 45% मार्क्स से पास हैं और फर्स्ट ईयर में आप अपियरिंग है बीएड में जो कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए 12th पास हैं, यहाँ पर क्या बताया गया है 12th पास हैं 50% मार्क्स से और आप अपियरिंग हैं फाइनल ईयर में, किस में, यहाँ पर 4 वर्ष का जो बीएलएड कोर्स होता है तो बीएलएड कोर्स वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर सकेंगे अगर आप फाइनल ईयर में बीएलएड में हैं जो कि 4 वर्ष का कोर्स होता है, बीएससी बीएड के रूप में भी होता है, तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। आगे देख लीजिए, अगर आप मान लीजिए 12th पास हैं 50% मार्क के साथ और आप फाइनल ईयर में अपियरिंग है, ठीक ना, फाइनल ईयर में अपियरिंग है जो कि आपको पता है बीएससी बीएड कोर्स होता है या फिर बीएड कोर्स होता है या बीएससी बीएड कोर्स होता है, तो जो मतलब कि दोनों तरह का कोर्स होता है, जो एक आर्ट्स से होता है एक साइंस से होता है एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स जो 4 वर्ष का होता है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अगर आप फाइनल ईयर में हैं। अब देखिए लास्ट इसमें क्वालिफिकेशन दिया है, ग्रेजुएशन अगर आप 50% मार्क्स से पास हैं इसके बाद बीएड स्पेशल कोर्स होता है, जैसे कि डीएड स्पेशल कोर्स होता है उसी तरह से बीएड स्पेशल कोर्स आप कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में आप अपियरिंग हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं यानी कि पेपर 2 भर सकते हैं। तो ये था आपका पेपर 1 और पेपर 2 को फॉर्म फिलअप करने का क्राइटेरिया क्या क्या है वो हम आपको डिटेल में जानकारी दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो है छूट के बारे में भी दिया गया है 5% रिलैक्सेशन, अगर मान लीजिए एसटी एससी ओबीसी की या फिर डिजिबिलिटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% छूट भी दिया जाएगा। तो जो भी छूट कैटेगरी से आते हैं तो उनको छूट दिया जाएगा। पेपर 1 से आपको पता है कि केवल और केवल प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हैं, अगर आप पेपर 2 एग्ज़ाम देते हैं पास होते हैं तो आप 6 to 8 तक के टीचर बन सकते हैं। इस पर हम एक डिटेल वीडियो लाने जा रहे हैं जिसमें आपको पूरी जानकारी देंगे कि प्राइमरी स्कूल का टीचर आप कैसे बन पाएंगे, मिडिल स्कूल का टीचर आप कैसे बन पाएंगे और हाई स्कूल का टीचर कैसे बन पाएंगे और 10+2 लेवल का टीचर जो होता है वो कैसे बन पाएंगे, पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रही है तो आप सभी जो इसके लिए एबिलिटी हैं मतलब कि क्राइटेरिया अगर आपका पूरा है तो आप जो है इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिए। इसमें जो है पूरा सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या आपको पूछा जाएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बता दिया गया है, कितने पेपर का एग्ज़ाम होगा वो भी आप जान लीजिए। दोस्तों पेपर 1 का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं यानी कि 1 to 5 के लिए टीचर बनने के लिए आप अप्लाई करते हैं यानी कि अभी सीटेट का फॉर्म डाल रहे हैं तो आपको 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका CDP
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो चाहे आप पेपर वन का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर पेपर टू का एग्ज़ाम दे रहे हो, ये आपके लिए कंपलसरी है। 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, और इसमें नो निगेटिव है। क्या है दोस्तों? नो निगेटिव, जो कि काफ़ी आपके लिए अभी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है। बहुत जल्द जो है इसमें निगेटिव मार्क भी जोर दिया जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो आप जो भी क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम को दीजिए। निगेटिव मार्क अभी नहीं है, बहुत जल्द लागू हो जाएगा। तो ये CDP में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑफलाइन एग्जाम होगा। जैसे कि आप 10th 12th का एग्ज़ाम दिए होंगे तो OMR रंगने के लिए दिया जाता है, सेम टू सेम उसी तरह से एग्ज़ाम होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होंगे, 150 क्वेश्चन टोटल आपको पूछे जाएंगे, जो टोटल 150 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 90 मार्क्स लाना है। इसमें कोई जो है ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जाता है, केवल और केवल आपको 90 नंबर या 90 प्लस नंबर ले आना है, आप एलिजिबल हो जाएंगे टीचर बनने के लिए। केवल और केवल ये आपको पास मार्क लाना है। जैसे कि मैट्रिक में 60% लाते हैं तो 300 मार्क्स होता है, तो आपको करना क्या है कि 300 प्लस मार्क, मतलब कि मैट्रिक इंटर में 300 प्लस मार्क ले आना है तो फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों 90 प्लस मार्क ले आइएगा तो ये होता है 60% के बराबर, 60% मार्क हो गया, आप टीचर बनने के लायक हो गए। और दोस्तों बिहार में जो है यहाँ पर जो है 82% नंबर अगर आपको है, सॉरी 82% नंबर है आपको, तो आप टीचर बन सकते हैं। यानी कि 55% नंबर पर भी आप टीचर बन सकते हैं, जो छूट कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, लैंग्वेज वन भी कंपलसरी है, लैंग्वेज टू भी कंपलसरी है। अब जानिए लैंग्वेज वन क्या है, लैंग्वेज टू क्या है। तो दोस्तों लैंग्वेज वन जो है, अगर आप मान ले कि हिंदी रख लेते हैं, लैंग्वेज वन में क्या रख लेते हैं, हिंदी रख लेते हैं, तो लैंग्वेज टू में हिंदी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। अगर आप मान ले कि लैंग्वेज वन में इंग्लिश रख लेते हैं, तो लैंग्वेज टू में आप इंग्लिश को छोड़ करके कोई भी सब्जेक्ट आपको रखना होगा। हिंदी रख सकते हैं, मराठी रख सकते हैं, संस्कृत रख सकते हैं। तो पेपर वन में भी, यानी कि लैंग्वेज वन में भी संस्कृत होता है, लैंग्वेज टू में भी संस्कृत होता है। जितना लैंग्वेज वन में सब्जेक्ट होता है उतना लैंग्वेज टू में भी सब्जेक्ट होता है। तो आपको जो पेपर वन में चुनना होता है उसको छोड़ करके पेपर टू में, सॉरी लैंग्वेज टू में आप चुन सकते हैं। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स होता है, तो इसमें पेडागोजी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 15 पेडागोजी, 15 मैथ के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। तो मतलब सभी पेपर में आपको जो है 15-15 पेडागोजी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो 15 × 60 तो ये हो गया, 15 × 75 हो गया, और दोस्तों 15 नंबर और इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया 90 क्वेश्चन आपका पेडागोजी होता है। इसके बाद 60 क्वेश्चन जो है आपका जो सब्जेक्ट है आपका उस सब्जेक्ट से रहता है। जैसे कि मैथमेटिक्स है तो कैलकुलेशन आपका 15 नंबर का रह जाएगा, 15 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण जो है अध्ययन जो होता है, इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके पास NCERT बुक है तो इन्वायरमेंटल स्टडीज को पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। NCERT बुक आप उपलब्ध कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों 30 मार्क का ये एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज भी 30 क्वेश्चन का, 30 मार्क के होंगे। और लास्ट है आपका दोस्तों, अगर मान लास्ट क्या हो ही गया है, तो इस दोनों को आप अच्छे से चॉइस कीजिए, जो आपका मन पसंदीदा है, जिसमें आपको पक्कर बढ़िया है, उस सब्जेक्ट को आप चूज कर लीजिए। 150 क्वेश्चन हो गया, 150 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। अभी नो निगेटिव है, कोई भी निगेटिव नहीं है, ठीक ना। तो आपको अभी कह सकते हैं कि एक अच्छा मौका मिल रहा है। इसके बाद देखिए इसमें जो है क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में, टोटल डिटेल जानकारी यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए संस्कृत के बारे में दिया गया है, कितना सब्जेक्ट आपको जो है यहाँ पर है। तो इंग्लिश का जो कोड है वो 1 है, हिंदी का 2 है। इसके बाद देखिए इस तरह से टोटल और टोटल 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 बात करें तो 20 सब्जेक्ट है। तो 20 सब्जेक्ट पेपर, यानी कि लैंग्वेज वन में रख सकते हैं, एक यानी कि इन सब में से कोई भी आप लैंग्वेज वन में रख सकते हैं, और इनमें से उसको छोड़ करके कोई आप लैंग्वेज टू में रख सकते हैं। तो इतना सब्जेक्ट आपको दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए फिर से डिटेल जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि
टॉपिक वाइज डिटेल जानकारी क्या क्या है, आपको पढ़ना क्या क्या है वो आपको बताया गया है। जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। 15 नंबर का आपका पेडागोजी रहेगा, इसके बाद 15 नंबर का फिर से पेडागोजी, तो सभी सब्जेक्ट आपका क्लियर कर दिया गया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा लीजिए, इस तरह के नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।